और हम डोरेमोन वाले बबल्स खरीद चुके हैं। तो गाइज अब मानोगे नहीं कितनी बार ऐसा हो रखा है कि मेरे को फोटोग्राफी करने का मन कर रहा है पर कोई आइडिया ही नहीं है, या टाइम कम है, कहीं जा नहीं सकता, पर बस मन है कुछ इंटरेस्टिंग करने का। एंड आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग का यही सीन होता होगा कि या तो कोई मॉडल नहीं अवेलेबल, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं अवेलेबल, तो क्या करो। तो वेल ऐसे कुछ हुआ था थोड़े टाइम पहले, एंड आई डिसाइडेड अपने फ्रेंड के साथ कि हम समथिंग एज चीप एज बबल्स जो आप घर पर बना सकते हो या खरीद सकते हो किसी भी स्टोर से, हम बबल्स के साथ क्या फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, बिकॉज हमने ये फ़ोटोज़ देखी तो हुई हैं बट क्लिकिंग दैम इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में हम बबल्स की फोटोग्राफी करने वाले हैं, बट उससे पहले लेट्स गो बाय सम बबल्स। अभी हम जा रहे हैं बबल्स खरीदने क्योंकि हमारी उम्र है बबल्स खरीदने वाली, और हम बबल्स खरीद के क्या करेंगे, फ्लाएंगे। सो हे गाइस, हम ढूंढ रहे हैं बबल्स, अभी भी जा रहे हैं मार्केट तक, दुकान तक, जो भी क्या वेले लोग हैं हम। ये यूट्यूब मत करो, फालतू काम है, रोते रहोगे, घर बैठो टीवी देखो, फोर्टनाइट खेलो, फॉरएवर लोन वाले काम है, फॉरएवर लोन वाले काम है बिल्कुल। दो 20-22 साल के लड़के स्टेशन शॉप पे अभी क्या खरीद के आए हैं, बबल्स, वो भी कौन से वाले, डोरेमोन वाले। मेरे साथ रतुल है, चेक आउट ऑन इंस्टाग्राम, ही इज फिल्मिंग विद मी, और क्योंकि सस्ता चैनल है तो मॉडल भी यही बनेगा। तो हम डोरेमोन वाले बबल्स खरीद चुके हैं, तो एक लाइक डोरेमोन के लिए। आइडिया बहुत सिंपल है, बबल्स लेंगे, मेरा कैमरा मैं लेके आ चुका हूँ जो ये निकाल रहे हैं, and we'll see what kind of photos we can get. It's gonna be very simple. आप भी try कर सकते हो, all you need is camera and bubbles. And also this is a wooden finished skin on the camera. I think it looks really nice. I also have one on my Sony A6300 जो यहाँ पड़ा हुआ है, and it looks really really good. ये स्क्रैचेस से बचाता है, काफ़ी कुछ करता है। यहाँ पर आई लाइक टू टेक अ पॉज टू टॉक अबाउट केप्स इंडिया की नए स्किन्स। वेल केप्स इंडिया सेंट मी टू स्किन्स फॉर माई कैमराज, एक मेरे सोनी A7 III पे अभी लगा हुआ है और एक मेरा सोनी A6300 के लिए है। अब मैंने स्किन सिर्फ लुक्स के लिए नहीं लगाए हैं, इनफैक्ट काफ़ी फायदे होते हैं इन यूजिंग अ स्किन। ये आपके कैमरे को स्क्रैचेस, डस्ट एंड ऐसी चीज़ों से बचा लेता है जो शायद बाहर पड़े पड़े, बैग में पड़े पड़े आपका कैमरा नहीं प्रोटेक्टेड रहता। मेरी पूरी ऑलमोस्ट मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और टीम है, वी ऑल यूज अ सोनी A7 III या समथिंग सिमिलर, तो आधे टाइम बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सा कैमरा किसका है, मेरा कैमरा मेरा ही दिखने वाला है, नो वन इज़ गोना मिक्स इट अप। मुझे स्किन यूज़ करना था अपने कैमरा पे, पर देर वॉज अ वेरी बिग इशू, एक कैमराज के लिए स्किन्स बहुत कम लोग बना रहे थे, बाहर बहुत महंगे थे, अ लॉट ऑफ कंपनीज डोंट यूज़ वेरी गुड एडिजिव जो बेसिकली चिपका रहे हो, तो मुझे ये डर था कि अगर मैं कुछ लगाऊंगा जो गलत चीज़ है, या तो ग्लू छोड़ जाएगा या फिर कैमरा हीट हो सकता है, वो इसमें कुछ नहीं होता, इतना प्रिसाइज फिट है, पतला है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, एंड कैमरा हीटअप भी नहीं हो रहा। इनके पास काफ़ी कैमराज के लिए भी स्किन्स अवेलेबल हैं, स्पेशली सोनी सिस्टम पे, और कैमराज के भी आ रहे हैं, कुछ लेंजेज़ के भी स्किन्स अवेलेबल हैं, एंड फोन्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, इस सब के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गो चेक इट आउट राइट नाउ, एंड इफ़ यू यूज़ अंगद कहाई वाला कोड इन द परचेज सेक्शन, तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर ऑर्डर। आज का मॉडल रतुल है, सो रतुल इज़ गोइंग टू बी ब्लोइंग बबल्स, एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना सोनी A7 III, एंड इसी से फ़ोटोज़ खींचने वाला हूँ मैं। So let's get started. तो गाइस सबसे पहले तो बबल्स खरीद के हम जहाँ चले गए थे वो एक बेसिकली पार्क सा था जिसके आसपास रोड थी, एंड दैट वॉज नॉट द बेस्ट डिसीजन। हमारे पास उस टाइम पे शाम हो गई थी, लाइटिंग कम थी, बट वी स्टिल वॉन्टेड टू यूज इट। पर जहाँ हम खड़े थे वहाँ झाड़ू शुरू हो गई, मिट्टी शुरू हो गई, हवा भी चल रही थी, तो बबल्स काफी मुश्किल हो रहे थे टू क्लिक। गाइस हवा बहुत ज्यादा चल रही है और यहाँ पे झाड़ू शुरू कर दिया इन्होंने, बबल्स आ ही नहीं रहे हैं टुवर्ड्स द कैमरा, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। मतलब ये मान लो इतना अनफेवरेबल कंडीशंस था कि अलग अलग सेटिंग्स में मैंने ट्राई किया, बट ऑलमोस्ट 500 से 800 फोटोज मैंने खींची होंगी, एंड फिर भी मुझे
वो शॉट जो मुझे चाहिए था नहीं मिल रहा था। अब हमने बहुत ट्राई किया टू गेट दीज फोटोज एंड कुछ फोटोज वी एक्चुअली डिड एंड अप गेटिंग दैट लुक्ड ग्रेट। मैं अंडरएक्सपोज शूट करता हूँ तो व्हाइल आई वाज टेकिंग दीज फोटोज मुझे पता भी नहीं था बबल्स कितने दिखने वाले हैं, बट लेट्स जस्ट से आई गॉट सम गुड फोटोज एंड ऑल आई वांट टू से इज बिफोर आई शो यू द रिजल्ट्स कि जस्ट गेट आउट, थोड़ा निकलो, कुछ तो करो यार, कैमरा उठाओ, बाहर निकलो, फोटोज खींचो, बी इट बबल्स, बी इट समथिंग। आपको कोई महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा मतलब टाइम लगाओ एंड डेफिनेटली कैन गेट सम क्रेजी शॉट्स। सो हियर्स व्हाट आई गॉट। So I hope you enjoyed that video. If you did, please leave a like. नहीं अच्छा लगा तो दूसरा बटन भी काम करता है, पर नहीं करोगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। Also leave a comment on this video. अगर मुझे और ऐसी photography videos करनी चाहिए जिसमें छोटे छोटे ideas या tasks या जो भी मैं करूँ मैं आपको behind the scenes लेके जाऊँ। साथ में if you click any such similar photos, be sure to tag me on Instagram when you upload them, चाहे stories में या simply use #AKScreators and I will check it out. चलो, I will catch you in the next video. Okay, bye.